हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश रैंक चैनल। फ्रेंड्स, आज का ईडियम है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का हिंदी में मतलब है शक के दायरे में होना या किसी पर कुछ गलत करने का संदेह होना और उस व्यक्ति के लिए बुरी राय बना लेना। टू बी सीन एज बीइंग डिसऑनेस्ट, सस्पिशियस, अनट्रस्टेड एसेट्रा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ईडियम अंडर द क्लाउड को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। आपके सामने हिंदी में एग्जाम्पल है, उस गलती के बाद वह शक के दायरे में था। आफ्टर दैट मिस्टेक ही वॉज अंडर अ क्लाउड। आफ्टर दैट मिस्टेक ही वॉज अंडर अ क्लाउड। उस गलती के बाद वह शक के दायरे में था। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप अपने कामों के लिए शक के दायरे में हैं। यू आर अंडर अ क्लाउड फॉर योर डूइंग्स। धोखाधड़ी कांड के बाद मंत्री ने संदेह के घेरे में कार्यालय छोड़ दिया। द मिनिस्टर लेफ्ट ऑफिस अंडर ए क्लाउड आफ्टर ए फ्रॉड स्कैंडल। वह ऑफिस में हमेशा शक के दायरे में रहती है। शी इज ऑलवेज अंडर ए क्लाउड एट द ऑफिस। नाउ फ्रेंड्स, अब आपके लिए सिंपल प्रैक्टिस सेंटेंस है, उसने शक के घेरे में इस्तीफा दे दिया। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।